नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वकीद। नाज़रीन, कौमी असेंबली ने पैमरा तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। इस बिल के हवाले से सहाफ़ी जो इदारे हैं वहाँ पर काम करने वाले सहाफ़ी हों, वर्किंग जर्नलिस्ट हों या फिर सहाफ़ी रहनुमा हों, उन्होंने तशवीश का इजहार किया और बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस बिल को मुस्तरद भी कर दिया। इस बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? दरअसल इस बिल के ज़रिए पैमरा जो है तमाम न्यूज़ चैनल्स को कंट्रोल कर सकेगा, यानी कि पैमरा का जो रोल है अथॉरिटी से बढ़कर एक एडिटर का हो जाएगा। अगर पैमरा एडिटर बन जाएगा तो फिर न्यूज़ चैनल्स के अपने जो मॉनिटरिंग सेल्स होते हैं वो कैसे काम करेंगे, चैनल को मवाद भी मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल किया जाएगा। आज़ादी सहाफत के ऊपर इसे हमला करार दिया जा रहा है, एक मार्शल लॉ के तौर पर देखा जा रहा है। मुल्क में आज़ादी सहाफत के क्या हालात हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हम लोगों ने टाइम लिया सीनियर सहाफ़ी फहद बशीर का। फहद, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग इस बिल के वजह से परेशान हैं और इसके ऊपर आवाज़ भी उठा रहे हैं। दरअसल पैमरा तरमीमी बिल क्या वाकई में आज़ादी सहाफत के ऊपर हमला है? देखें, बहुत शुक्रिया हिरा, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी इतलात है, वो नशरियात है, इनकी जानब से पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो पैमरा तरमीमी बिल जो 2023 है ये मंजूर कर लिया है। तो गुज़िश्ता दिनों में जो है इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि जो पैमरा तरमीमी बिल पर तमाम फ्रीकैन से मशावरत की गई है। तो जो वज़ीर इत्तला'आत का जो मनसब संभालते ही जो उनका ये कहना था, मैंने साथी तंजीमों से मशावरत की है, पैमरा तरमीमी बिल सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि मीडिया और अवाम का है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो जो वज़ीर इत्तला'आत नशरियात मरियम औरंगज़ेब हैं, इनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी थी, इनकी जहाँ से अब तरमीमी बिल मंजूर किया गया, इसमें भी इन्होंने मजीद कहा कि बिल में फेक न्यूज़ में डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन की तारीफ मुतारिफ कराएगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कई ममालिक के कवानीन को देख कर बिल बनाया है। जो बिल पर तनकीद कर रहे हैं, यकीन से कहती हूँ कि उन्होंने बिल नहीं पढ़ा। मतलब मरियम औरंगज़ेब का यहाँ पर ये कहना था कि जो हमारी तरफ से तरमीमी बिल मंजूर किया गया है और जो लोग हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो जितने भी जो पार्टी, उनका ये एक टारगेट किया गया था, जो पार्टी साफ़ी हैं, जो मुख्तलिफ पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, वो हमें टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने बिल भी नहीं पढ़ा। तरमीमी बिल में मीडिया वर्कर्स की तनख्वाह में तमाम हकूक का तहफ़ किया गया है, सहाफ़ी की तारीफ में तमाम मीडिया वर्कर को शामिल किया गया है, ये भी उनका कहना था। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि बिल के एक एक पॉइंट पर मशावरत हुई है, तारीफ में बिल के मकासद को भी बयान किया गया है, बिल में मुसद्दका खबर तहमुल बर्दाश्त बच्चों से मुतलिक मवाद की शिकें भी शामिल हैं, तवानाई स्पोर्ट बैनुल मजहब हम आहंगी से मुतलिक शिकें भी शामिल की गई हैं। तो मजीद उन्होंने भी ये कहा कि मिस इंफॉर्मेशन डिस इंफॉर्मेशन के ऊपर इससे पहले हद तक इज्जत का कानून मौजूद था, इस कानून के तहत मुतासा शख्स को अदालत से रुजू करना पड़ता था, हमने इस बिल में जो है डिस इंफॉर्मेशन की तारीफ को शामिल किया है। तो मजीद देखें, यहाँ से यही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे कि इससे कबल भी जब फवाद चौधरी साहब जो थे, गुज़िश्ता हुकूमत थी PTI की, तो उनकी जानिब से भी एक जो है वो बिल आया था सामने, लेकिन उसके बाद भी जो सहाफ़ी तंजीमें इसमें काफ़ी तशवीश का इजहार पाया गया था। लेकिन अब जो जिस तरह 2023 का तरमीमी जो बिल है ये मंजूर किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी इत्तला'आत और नशरियात है मरियम औरंगज़ेब, उनका ये कहना था कि जितने भी जो लोग हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनको चाहिए कि इस बिल का जो है वो इस बिल को पढ़ें ताकि वो इससे इस्तफादा हासिल करें, उनको पता चल सके बेसिकली ये बिल है क्या। बात थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से पहले भी बहुत ज़्यादा बात होती थी कि इसको क्लियर करने की ज़रूरत है कि एक खबर गलत होना और एक खबर जानबूझ के गलत फैलाना, आप थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें, क्या इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें खसूसन डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ को बयान किया गया है। वो खबर है जो काबिल तस्दीक ना हो, गुमराहगुन हो और जो मन खड़त हो, ऐसी खबर डिस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी जो जाती सियासी माली मफाद और किसी को रासा करने के लिए दी गई हो, मुतलका शख्स का मौकफ लिए बगैर दी गई खबर जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ में जो है वो शामिल होगी, मुतासा जो शख्स के मौकफ को कवरेज दी जाएगी जिस तरह इसके खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन को दी गई हो। मिस इन्फॉर्मेशन से मुराद वो मवाद है जो जाँच के बाद झूठ साबित हो या गलती से नशर किया हो। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का तयन करते हुए चैनल पर पाबंदी सिर्फ चेयरमैन पैमरा लगाता था, अब इसका तयन 3 दुगनी कमेटी करेगी और इसका फैसला पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट करेगी। पैमरा अथॉरिटी में PFUJ वर्किंग जर्नलिस्ट को पहली मरतबा नुमाइंदगी दी गई है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट हर सूबे में मौजूद होगी।
फहद, क्या इस पैमरा तरमीमी बिल के अंदर जो है दरअसल इश्तिहारों को भी लिमिट किया गया है? क्या इसमें ऐसी कोई पाबंदी है, कदगन लगाया गया कि तमाम टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स 10 मिनट से ज़्यादा जो है एयर टाइम वो इश्तिहारात को नहीं दे सकेंगे? देखिए, इस हवाले से उन्होंने तय था कि 20A की नई शिक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुलाजमीन को जो तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी का पाबंद बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ जैसा कि आपने ये बात बोली है कि जो एड्स के हवाले से जो हमें दिए जाएंगे, जो जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, इस हवाले से जब हम उनका जब गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जो हमारी कोशिश होगी कि हम मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, जिस तरह जो मीडिया के वर्कर्स हैं इनको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और आज की भी जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज ही मरियम औरंगज़ेब ने कुछ टाइम कबल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हेल्थ इंश्योरेंस का इजरा किया है ऑनलाइन ऐप्स के जरिए। तो देखा जा सकता है कि जो हुकूमत है ये चंद दिन की मेहमान है, और आजकल जो ये मीडिया को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम तरह इकदाम कर रही है, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखा ये भी जा सकता है कि जो जो साबती तंजीमों की जानिब से डिवीजन हुई है, कुछ लोग इस बिल के हक में हैं, कुछ जो हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं उसके हक में, और कुछ अगेंस्ट भी चल रहे हैं। तो फहद, आप क्या समझते हो, एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट, तनख्वाहों की अदम अदायगी है, जबरी तौर पर लोगों को निकाल दिया जाता है, कोई नोटिस भी नहीं दिया जाता, फिर लोग प्रेस क्लब के चक्कर लगाते हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती, इस वक्त पाकिस्तान की सहाफी बरादरी, क्योंकि आप खुद भी वर्किंग जर्नलिस्ट हो, अभी सबसे बड़े दो तीन क्या इश्यूज हैं? देखें, आपको पता है जब ये मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं इनको सबसे बड़ा जो ऑब्वियस ही बात है, जो इदारे हैं इनको चाहिए कि जो सैलरी, बेसिक जो सैलरी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को दें। मुख्तलिफ जो निजी चैनल्स हैं, निजी अखबार हैं, उनको जो है तनख्वाहों की अदायगी न होने से उनके घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, इनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और जो हमारी हुकूमत है ये भी इसमें जो है बराबर की शरीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी अभी जिस तरह आपने इससे पहले बात की है इश्तियारों की हद के हवाले से, वो देखिए 10 मिनट कर दी गई है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर जो है जुर्माना जो है वो 1 करोड़ होगा। साफी के हाँ में हाँ मिलाने वाली मरियम औरंगज़ेब भी जो है इस बिल के बाद जो है वो बदल गई हैं, और मीडिया के जगड़ने के लिए बिल मरियम जो औरंगज़ेब हैं इन्होंने असम्बली में पेश किया। कौमी असम्बली की कैमा कमेटी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मुतफ़क़्क़ा तौर पर मंजूर कर लिया, लेकिन जो बात आपने की है कि सैलरीज का इशू है, ये अभी भी मुख्तलिफ इदारों में चल रहा है, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं मुश्किलात से दो चार हैं, इस हवाले से भी जो हुकूमत है इनको अमली इकदाम करने चाहिए ताकि जो साबती तंजीमें हैं ये सुख का सांस ले सकें। अभी भी जो जो कुछ हमारे हमारे जो बरादरी के लोग हैं, साबती बरादरी के, इनको देखा जा सकता है जिस तरह हुकूमत की जानिब से हेल्थ के हवाले से जो है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म के हवाले से ऑनलाइन इजरा किया जा रहा है, लेकिन इनको चाहिए, इनको मॉनिटर करना चाहिए कौन सा अदारा कितनी सैलरी दे रहा है। जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि कम से कम उजरत जो है वो 32,000 या आई थिंक 35,000 के बीच में रखी जाए, लेकिन आप देख सकते हैं जो हमारे कैमरामैन हैं, एडिटर हैं, और जितने भी डेस्क पे बैठने वाले लोग हैं इनकी कितनी तनख्वाहें हैं, और जो तनख्वाहें बताई जाती हैं वो दी जाती हैं कि नहीं दी जाती, इस बात का भी हुकूमत को चाहिए कि वो तयन करें और फिर फौर इकदाम करें ताकि जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं ये इनके लिए ये चीज़ फायदेमंद साबित हो। फहद, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस तरह से इदारों के ऊपर पाबंदियां लगाना, न्यूज़ चैनल्स को पाबंद बनाना, पैमरा का एडिटर बन जाने से दरअसल इदारे तो कुछ हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, लेकिन इसका असर, बुरा असर जो है, मनफी असर, वो ये डाउन साइजिंग की सूरत में देखना पड़ेगा कि सहाफ़ियों की नौकरियाँ जो है वो इसी तरह से जाती रहेंगी, आप कैसे देखते हो? देखें, आपने देखा था जब गुज़िश्ता जो हुकूमत थी PTI की, उसमें भी जो हमारी जो साफ़ी तंजीमें थी इनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, बीच में कोविड आया उसमें भी जो है डाउन साइजिंग का सिलसिला जारी रहा, और कितने हमारे साफ़ी भाई हैं जो अपनी जान की बाजी भी हार चुके थी, वजह यही थी। आप देख सकते हैं जब घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाता है एक सर्कुलेशन चलाना। जब हमने गुफ्तगू की ये पैमरा की तरमीमी बिल के हवाले से, तो हमें मुख्तलिफ साफ़ियों का ये कहना था हुकूमत ने पैमरा में मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश की है, और इसके अलावा जो और हमारे साफ़ी भाई हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है पैमरा आप चैनल के मवाद को भी कंट्रोल करेगा, बिल में बेशुमार पाबंदियां लगाने का इशारा दिया गया है, और इसके साथ साथ बिल के गलत इस्तेमाल का खदशा है, सरकारी अफसर कैसे फैसला कर सकता है खबर दुरुस्त है या गलत है, और इसके साथ साथ मुल्क में आज़ादी सहाफत की बदतरीन हालात है, अपने कैरियर में इतनी सेंसरशिप नहीं देखी। ये कुछ हमारे साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये मौकफ दिया गया, लेकिन देख सकते हैं जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, PTI की हो, सबसे पहले उनका टारगेट होता है मीडिया को क्रिटिसाइज करना, और जब जब इलेक्शंस कंपेन्स होती हैं और यही वो तीनों यही पार्टीज हैं जो मीडिया को प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करती हैं और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जगमगाते हैं,
और दिखाते हैं मीडिया के थ्रू, जब हुकूमत में आते हैं तो उल्टा जो है ये मीडिया का जो है गला दबाने की कोशिश करते हैं। फहद, एक बुनियादी सवाल मैं करूं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से, वो ये कि अगर किसी सहाफ़ी के पास, किसी टीवी चैनल के सहाफ़ी के पास हुकूमत के किसी प्रोग्राम की, किसी प्रोजेक्ट की करप्शन की कोई फाइल आ जाए, कोई खबर मिल जाए, या किसी ज़राए से कुछ मालूमात मिल जाए, तो क्या वो एयर कर सकेगा, या वो एयर करने की सूरत में मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में आएगा कि इसने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुनज़िम कोई कैंपेन शुरू की है? इस हवाले से क्लैरिटी दें। देखें, जैसे मैंने आपको तारीफ बताई थी, डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ जो है वो खबर है जो जो काबिल तस्दीक ना हो, गुमराह गुन हो, और आपने जो मिस इन्फॉर्मेशन की है वो ये है कि डिस और मिस इन्फॉर्मेशन का तयन करते हुए चैनल पर पाबंदी सिर्फ चेयरमैन पैमरा लगा सकता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं जो भी चाबी है वो पैमरा के कंट्रोल में होगी। अब कई कई बिल्स में कुछ ऐसी भी शिक्के मौजूद हैं, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, ये देखा जा सकता है इनके लिए आगे जो मुश्किलात का बाइस बन सकती हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये आज इन्होंने गुज़िश्ता दो रोज़ कबल एक बिल, तरमीमी बिल सामने लाया, और इस हवाले से इन्होंने देखा कि पल्स चेक की गई है साफियों की, क्या एक पल्स आ रही है, क्योंकि पीटीआई के भी दौर में जो है फवाद चौधरी की जानब से बिल लाया गया, लेकिन उस टाइम आपको पता है इतना क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन अब उस पर जैसा मरीम औरंगजेब है, नून लीग की हुकूमत है, चंद दिन के मेहमान है, मुख्तलिफ तरमीम में बिल सामने ला रही है, ये देख रहे हैं कि पल्स क्या चाह रहा है साफी तंजीमों में। लेकिन उसके बावजूद ये बात तो वही आ जाती है, मैं किसी हद तक 70% मैं इस बिल के हक में, लेकिन 30% नहीं हूँ, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होता है वो अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं करता। लेकिन आज मैं आपको बता रहा था जिस तरह के आज इतलात मरीम औरंगजेब की साफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म का ऑनलाइन इजरा के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, 1:45 बजे के करीब की गई है आज कुछ वक्त पहले, और यहाँ पे देखा जा सकता है उन्होंने एक चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह तरमीमी बिल के हवाले से उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, तो इसी हवाले से आज वो इंश्योरेंस फॉर्म का ऑनलाइन इजरा किया। और उसके अलावा साफियों को जो ये अच्छा इकदाम है, देखें जहाँ पे जर्नलिस्ट की सैलरीज के इशू हैं, हेल्थ के इशू हैं, ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल करना हुकूमत की भी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन बात की जाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो जो हम जिस तरह मीडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस और मीडिया आज़ादी राय इस हवाले से जो है वो नागुजीर हैं। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, ये थे सीनियर सहाफ़ी फहद, जिन्होंने बड़े तफसील से हमें इस पैमरा के लेटेस्ट बिल के बारे में बताया, जिसे कौमी असेंबली ने तो मंजूर कर लिया और ये जल्द ही लागू हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर अभी भी सहाफ़ती तंजीमें हो या सहाफ़ी बिरादरी हो, वो खासी तकसीम नज़र आ रही है, बहुत सारे लोगों को इसके अंदर मसाइल नज़र आ रहे हैं। इसे कहा जा रहा है कि ये सहाफ़तों के ऊपर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर दरअसल एक मार्शल लॉ लगाने के मुतरादिफ़ हो गए, जिसमें पैमरा के इख्तियार इस हद तक बढ़ा दिए गए कि वो न्यूज़ चैनल्स को और डिफरेंट इदारों को एडिटर का रोल अदा करेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल होंगे मिस इन्फॉर्मेशन के, डिस इन्फॉर्मेशन के। इस बिल के अंदर एक अहम चीज़ जो कि इश्तहारात के हवाले से, आपको इश्तहारात के हवाले से बताऊं कि एडवर्टाइजिंग इश्तहारात की मद जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बैकबोन होती है। जब इश्तहारात मिलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो ही सहाफ़ियों को तनख्वाहें जो हैं वो मिलती हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, उन्हें जॉबलेस किया जा रहा है, और आज़ादी राय के ऊपर किस हद तक जो है अमल किया जा रहा है वो सबके सामने है। और ये बिल जो है फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तशवीश है, और आगे अगले आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हुकूमत जो कि चंद दिनों के अंदर जो है जा रही है, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, इस बिल का क्या होगा, क्या ये रोल बैक हो जाएगा या फिर ये इसी तरह से लागू हो जाएगा। तालीम और दुनिया से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।